अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं तस्नीम मौसम और मैं एक नैटोपैथिक स्टूडेंट हूं। आज जो मैं आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करने वाली हूं, इसमें बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता चलेगा कि मुल्तानी मिट्टी खाने से क्या होता है, मुल्तानी मिट्टी लगाने से क्या होता है और मुल्तानी मिट्टी के क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में डालेंगे। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है मुल्तानी मिट्टी से रिलेटेड, कि मुल्तानी मिट्टी क्या है, कहाँ से आती है, कैसे यूज़ होती है, हम सब जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आता है कि मुल्तानी मिट्टी क्या है, कि आप लोगों को पता है कि मुल्तानी मिट्टी को मट फ्रॉम मुल्तान कहा जाता है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो हमारे पास पाकिस्तानी के पास आती है वो मुल्तान से आती है। ये बहुत सारे मिनरल्स रिच प्रॉपर्टी अपने अंदर रखती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी काफ़ी हद तक मौजूद होती है। ये मिट्टी से बस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया और बहुत सारे ममालिक में ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी हद तक यूज़ की जाती है, मतलब ब्यूटीफाई करने के लिए अपने आप को डेली बेसिस पे काफ़ी हद तक यूज़ की जाती है। अब मुल्तानी मिट्टी बनती किस चीज़ से? मुल्तानी मिट्टी जो है ना वो कंपोस्ट की जाती है, ठीक है, और इसके अंदर आयरन ऑक्साइड होता है, लाइम होता है, मैग्नीशियम होता है एंड थोड़ी मिकदार में पानी होता है जो हमें नहीं दिखता बट होता है। अगर आप मुल्तानी मिट्टी को देखें तो मुल्तानी मिट्टी जो है ना लेयर्स फॉर्म में होती है, कि देखिए इस तरह की लेयर्स फॉर्म में होती है। अगर आप लोगों को पता हो कि मुल्तानी मिट्टी लेयर्स फॉर्म में होती है, आप इसको पानी में भिगो तो आप लोगों को लगता है इसकी परतें उतर रही हैं। माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत है, इसकी परतें उतर रही होती अगर आप इसको साबुत भिगो के पीस रखें तो पानी में आप देखेंगे कि वाकई इसकी परतें उतर रही होती हैं। तो अगर आप पाउडर फॉर्म में ये तो इस तरह की होती है, साबुत फॉर्म में इस तरह की होती है। अब मुल्तानी मिट्टी के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? माशाल्लाह फ़ायदे बहुत सारे हैं। सबसे पहला फ़ायदा आता है कि ये एक्ने को कम करने में सीरियसली बहुत हद तक की मदद करती है। एक्ने नहीं, जो पिंपल्स हो जाते हैं ना बारीक बारीक से ही, उसको रोकते हुए भी कम कर मदद करती है। बहुत ऑयली फेस है तो सारे बात है, सीबन कंट्रोल करती है बट सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसको। इसके अलावा स्किन के अंदर बाहर नहीं, जो अंदर डर्ट जमा हो जाता है ना, ये उसको ख़त्म करने में भी बहुत हद तक की मदद करती है। इसके अंदर से साफ सफाई करती है हमारे स्किन के, बाहर से नहीं स्किन के अंदर से सफाई करती है, ये हमारे स्किन को अंदर से प्योर करती है। इसके अलावा इसमें एंटी पिगमेंटेशन होती है, मतलब कि पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है। सन टैन बहुत ज़रूरी होता है, सन टैन को पाकिस्तानियों के लिए ख़त्म करना। क्यों? ख़ासतौर पर कराची वालों के लिए, क्यों? क्योंकि बहुत गर्मी है, बाहर जाना ज़रूरी है, सब्जियाँ लानी है, बच्चों को खेलने जाना है, मर्दों को ऑफिस जाना है, सबको सन टैन की प्रॉब्लम, सनबर्न की प्रॉब्लम है। ये कलर साफ़ नहीं करेगी, लेकिन जो आपका एक्चुअल स्किन का कलर है ना, ये उसको लाने में मदद करती है पर कलर साफ़ नहीं करती। ये बात मेरी याद रखिएगा, कहीं आपके आपने कहा था हम लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे, नहीं, आप लगाएंगे तो आप लोग गोरे नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता जो आपका एक्चुअल स्किन कॉम्प्लेक्शन है ना, आप वो गेन कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, ये उसको कम करने में मदद करती है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी में कुदरती कूलिंग इफेक्ट पाया जाता है, कूलिंग एजेंट पाया जाता है। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी, अगर हमें कोई चीज़ काट ले तो अगर आप उस पर ज़रा सी मुल्तानी मिट्टी में पानी मिला के लगा लें, मच्छर मक्खी या कोई और चीज़ चढ़ के चली जाए, काट के चली जाए, तो आप देखेंगे कि आपको फ़ौरन रिलीफ मिल गया, क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो इन्फेक्शन को या फिर किसी चीज़ की बाइट करने को रोक सकती है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से बढ़ाती है, फेस की जो ब्लड सर्कुलेशन होती है ना, ये उसको बढ़ाने में मदद करती है हमारी स्किन को, जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो होने लगती है, गोरी नहीं होती, चमकने लगती है, कुदरती चमक आने लगती है जो खुदा की तरफ से दी हुई है। इसके अलावा ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स में बहुत हद तक की करामत चीज़ है, जिससे हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स कम हो जाते हैं। इस पैक को और चीज़ों के साथ भी मिलाया जाता है, जिसकी वजह से जो है मुल्तानी मिट्टी का एक पैक बनता है और वो चेहरे पे लगाने से हमारे ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स में कमी हो जाती है। मुल्तानी मिट्टी अपने अंदर ही एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है। अब मुल्तानी मिट्टी की रेमेडीज़ की बात करेंगे हम बाद में, इसके से पहले जो हमारे पास कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका पूछना बताना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल जो मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगी कि मुल्तानी मिट्टी से क्या रिंकल्स हो जाते हैं? तो जी हाँ, मुल्तानी मिट्टी से रिंकल्स हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ।
इसकी वजह ये है कि जिस तरह आप लोग मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं ना, वो गलत तरीका होता है। कैसे? वो ये कि आप लोग मुल्तानी मिट्टी को लगाते हैं और लगाने के बाद बोलना शुरू कर देते हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद आप लोगों को जब तक नहीं बोलना जब तक आप लोग फेस को अच्छी तरीके से वॉश ना कर लें। मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद जब ये ड्राई हो जाती है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा स्किन ना एकदम स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है आप लोगों की। अगर आप बोलते हैं ना, तो वहाँ पर फिर झुर्रियाँ पड़ने लगती है आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के बोलने की वजह से। इस तरह ये झुर्रियाँ जब पड़ती है ना स्किन पर, तो आप जब चेहरा वॉश करते हैं तो मुल्तानी मिट्टी उसको एज इट इज़ छोड़ जाती है, इसको क्लीन नहीं करेगी, स्मूथ नहीं करेगी। जैसे आप लोगों की झुर्रियाँ पड़ गई उसको वैसे ही छोड़ जाती है। इसलिए हाँ, मुल्तानी मिट्टी लगा के बोलने की वजह से आप लोगों के चेहरे पर जो है वो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अब दूसरा सवाल ये है मेरे पास कि मुल्तानी मिट्टी खानी चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं, मुल्तानी मिट्टी नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी का जो एक डेंजरस एडवांटेज है ना, वो ये है कि मुल्तानी मिट्टी खाने से क्या होता है। मैंने अक्सर खवातीन से सुना है कि हम जो है ना प्रेगनेंसी में मुल्तानी मिट्टी खाते थे, हमारा दिल चाहता था। आप क्यों खाते थे प्रेगनेंसी में मुल्तानी मिट्टी? आपको क्या मुल्तानी मिट्टी के नुकसान नहीं पता प्रेगनेंसी में या वैसे ही खाने में? नहीं पता, क्योंकि कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। मुल्तानी मिट्टी वो लोग खाते हैं जिनके अंदर आयरन और जिंक की कमी होती है। तो प्लीज़ अगर आप लोग कभी भी मुल्तानी मिट्टी या किसी चौक या पेंसिल या फिर किसी और ऐसी क्रेविंग का शिकार हों जिसे देख कर सुन कर खाने का दिल करे, तो आप लोग समझ जाएँ कि उन औरतों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है। तो आप लोग प्लीज़ ये खाने के बजाय किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें या फॉलिक एसिड की गोलियों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी वो डेफिशिएंसी कम हो जाए। बनिस्बत इसके कि आप इसको खाना शुरू कर दें, ये पकी हुई हो या कच्ची फॉर्म में हो, नुकसान इसके बहुत ज़्यादा हैं। पहला नुकसान इसका ये है कि इससे जो है ना जिस्म के अंदर एक पॉइजन फैलने लगता है। इसके अलावा एक हड्डियों के अंदर जो है ना कमजोरी बैठ जाती है। इसके अलावा ना इंटेस्टिनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है औरतों में, जिसकी वजह से जो है आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों को कुछ बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में। सो प्लीज़ मुल्तानी मिट्टी को आप प्रेगनेंस वूमेन मत खाइएगा। मुल्तानी मिट्टी को किसी को भी नहीं खानी चाहिए, चाहे वो कच्ची फॉर्म में हो या पक्की फॉर्म में हो। मुल्तानी मिट्टी के बहुत नुकसान है खाने के हवाले से, और ख़ासतौर पर प्रेगनेंट वूमेन को तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि मुल्तानी मिट्टी की क्रेविंग अपने अंदर पैदा करें। अगर आपको लगता है ये है, आप अपने डॉक्टर को बोलें कि मेरा दिल चाहता है कि मुझे मैं मिट्टी खाऊँ, मैं मुल्तानी मिट्टी खाऊँ, मैं पेंसिल की नोक खाऊं, मैं वाइट चॉक खाऊं। जब आप उसको बताएंगे ना, वो खुद ही आपको अच्छी सी जो है ना कोई भी टैबलेट रिकमेंड कर देगी जिसकी आपसे जिसकी वजह से आपकी आयरन डेफिशिएंसी कम हो जाए। तो डोनेट मुल्तानी मिट्टी एवर एवर। तो हमारे पास तीसरा सवाल आता है, वो ये आता है क्या मुल्तानी मिट्टी रोज़ लगाने से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है? तो इसका जवाब है जी हाँ। अगर आप रोज़ाना मुल्तानी मिट्टी को अपने चेहरे पर लगाते हैं 10 मिनट से ज़्यादा, तो आपकी स्किन जो है हद से ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इसलिए कोशिश करेगा कि मुल्तानी मिट्टी का डेली यूज़ ना करें। आप 2 दिन लगा लें, 1 दिन छोड़ दें, या 1 दिन लगा के 1 दिन छोड़ दें, अल्टरनेट डेज़ में यूज़ करें, ताकि आपकी स्किन जो है जितनी भी ऑयली हो वो ड्राई ना हो, क्योंकि हमारी स्किन को एक मकदार तक की सीवन की भी ज़रूरत होती है। हमारे पास चौथा सवाल ये उठता है कि जब ये ऑयली स्किन वालों की स्किन ड्राई कर देती है, तो ड्राई स्किन वालों की स्किन कैसे कर देती होगी मुल्तानी मिट्टी? तो इसका जवाब ये है कि आप ड्राई स्किन वाले भी मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, मगर तरीका ये है कि आप इसको किसी भी ऑयल कंपोस्ट चीज़ के साथ मिक्सचर बना के लगाएं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी स्किन में ऑयलिंग या नरिशिंग हो। आप इसको दही के साथ लगा सकते हैं, दही नरिशिंग का बहुत अच्छा काम कर सकता है। आप इसको प्योर बटर जो होता है, मक्खन नहीं मार्जरीन, मैं मार्जरीन वाले मक्खन की बात नहीं कर रही, मैं प्योर बटर की बात कर रही हूँ जो वाइट कलर का होता है, आप लोग मुल्तानी मिट्टी को उसके साथ मिला के लगाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बेहतरीन रिजल्ट होगा आपके स्किन को नरिश करने के लिए, दाग धब्बे ख़त्म करने के लिए, सब कुछ मीन्स ऑल इन वन होगा वो पैक जब आप इसको मक्खन के साथ लगाएंगे वाइट वाले मुल्तानी मिट्टी। तो आपके ड्राई स्किन भी जो है वो एकदम नरिशमेंट हो जाएगी, और आपकी जो स्किन की डलनेस है वो शाइन और ग्लो में चेंज हो जाएगी।
मिट्टी सिर्फ इंसानों के खूबसूरत बनाने के लिए काम नहीं आती, मुल्तानी मिट्टी बल्कि अजूबों को भी खूबसूरत बनाने के लिए काम आती है। जैसे कि मुल्तानी मिट्टी से कभी कभी ताजमहल को भी वॉश किया जाता है ताकि वो खूबसूरत नज़र आए। क्यों? क्योंकि इसकी जो डर्ट प्योरिटी प्रॉपर्टीज़ होती है उससे ताजमहल भी खूबसूरत और चमकने लगता है, तो फिर हम भी ज़ाहिर बात है खूबसूरत हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। के अलावा ना मुल्तानी मिट्टी फिल्मों में और इंडस्ट्री में भी यूज़ की जाती है। आपको पता है किस तरह से जो वो कपड़े मैले करते हैं, गंदे करते हैं या घरों में मिट्टी या डस्ट लगाते हैं ये दिखाने के लिए कि वो घर, वो कपड़े, वो जगह बहुत पुरानी है, वो लोग भी मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो मुल्तानी मिट्टी के आप लोगों को पता चल गए कि कितने फ़ायदे और कितने नुकसान हैं। चलें आगे, अब हम कंटिन्यू करते हैं वीडियोज़ अपने मार्क्स के साथ। तो अब जो हम आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करने वाले हैं, इस रेमेडी के बहुत सारे फायदे हैं उन लोगों के लिए जिनकी स्किन जो है अन इवन टोन हो जाती है। अन इवन टोन मतलब कि दो कलर की हो जाती है, कहीं से काली, कहीं से गोरी, कहीं से धब्बे पड़े हुए हैं, कहीं से नहीं पड़े हुए काले गोरे होने के। तो अन इवन स्किन टोन या अन इवन कॉम्प्लेक्शन जिन लोगों का हो जाता है उनका क्या किया जाए, उनको कैसे ठीक किया जाए उस स्किन को, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आप सबसे पहले देख रहे हैं मेरे पास है एक अंडा एग, जिसको मैंने तोड़ा, इसकी जर्दी फेंकी, इसको बहुत अच्छे से बीट किया। बीट करने के बाद मैंने इसकी सफ़ेदी को इस फॉर्म में लिया है। तकरीबन आप 10 मिनट तक बीट करेंगे अंडे को तोड़ने के बाद सफ़ेदी को खाली, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। 10 मिनट तक बीट करना है मुस्तकिल, हाथ में दर्द हो जाएगा मगर करना तो ज़रूरी है। आप लोग इसको बीटर से भी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अच्छा, अब अंडे की सफ़ेदी के बारे में बात करते हैं। अंडे की जो सफ़ेदी होती है ना, वो स्किन के जो लार्ज पोर्स हो जाते हैं, एक्नी प्रोन स्किन होती है, उसको कम करने में मदद करती है। ये स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बाहर से नहीं अंदर से सही करने में मदद करती है। अंडे की खासियत ये होती है। अब आते हैं दही के ऊपर। ये है मेरे पास एक चम्मच दही और ये एक चम्मच ही मेरे पास अंडे की सफ़ेदी है। अब दही की बात ये करें कि दही जो है ना, ये रहा दही, दही जो है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। दही में लैक्टिक एसिड होते हैं जिसकी वजह से जो आपकी स्किन का रियल कलर होता है ना, ये उसको वापस दिलाने में मदद करता है दही। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दही जो है ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों की स्किन लूज हो जाती है, फाइन लाइन्स, रिंकल्स हो जाती हैं, ये उसको कम करने में भी मदद करता है। ये पैक बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स 20 ईयर्स से लेकर किसी भी उम्र तक के लोग ये पैक लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी के तो फायदे सभी को पता है। ये भी एक चम्मच है मेरे पास और यहाँ लेमन लिया है मैंने हाफ। इसको हटा देते हैं अंडे का हमारे पास कोई काम नहीं, हम अपना पैक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ हम इसमें लेंगे मुल्तानी मिट्टी जो हमारे पास है एक चम्मच, ठीक है। ये हम इसमें सारे डाल देंगे। मुल्तानी मिट्टी स्किन का पोर्स को क्लीन करती है, स्किन से डर्ट साफ करने में मदद करती है, पिगमेंटेशन को कम करती है, एक्नी को कम करती है, स्किन का जो रियल कलर है ना आपके उसको लाने में मदद करती है। मुल्तानी मिट्टी के बहुत से फायदे हैं। ये हमारे पास बीटन एग वाइट, फिटी हुई अच्छी तरीके से सफ़ेदी, जो हम पूरा एक चम्मच ले लेंगे इसके अंदर, सही है। इसको अच्छी तरीके से हल्का हल्का मिक्स करेंगे। ये जब पैक पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपने अपने चेहरे पर इसको लगाना है हाथ की मदद से, प्लीज़ ब्रश से नहीं लगाएगा। इसके बाद हम लेंगे यहाँ एक चम्मच दही। दही की मदद से जो अन इवन कॉम्प्लेक्शन होगा हमारा, स्किन के पोर्स जो है अंडे की वजह से जो खुले हुए होंगे वो सब कम होने में मदद करेगी। और जब हम बात करते हैं हाफ ऑफ दी लेमन डालने की, आपको पता है नींबू की खसूसियात ये है कि ये स्किन का कलर टोन सही करने में मदद करती है, विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स होता है, ये किसी भी पैक में आप लोग डालें तो ये ब्लीचिंग एजेंट का काम शुरू करती है। ये हो गया हमारे पास हाफ लेमन, मतलब मैंने आधा चम्मच लेमन डाला है इस पैक के अंदर। इसके साथ बीज भी चले गए, वो मैं बाद में निकाल लूँगी, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको फिर अपने फेस पर आप लोगों ने लगाना है 20 मिनट्स तक के लिए। आप लोगों ने इस पैक को अपने फेस पर लगा के रखना है। ये सब हटा देते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा पैक मिक्स अच्छे से। आप लोगों ने इस पैक को अपने फेस पे राउंड एंड राउंड फिंगर की मदद से, इस फिंगर की मदद से राउंड एंड राउंड लगाना है 20 मिनट तक के लिए अपने फेस पर।
और फिर इसको गर्म पानी से धोना है। अगर आप ये पैड जो है हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो, अगर आप देखें अपर लिप्स के पास, थोड़ी के पास जो है ब्लैक ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं हमारे कबाता हाथ लगाने की वजह से वहाँ पर, तो अगर आप ये पैक लगाते हैं हफ्ते में 2 दफ़ा तो वो सारे धब्बे आप लोगों के खुद ब खुद कुदरती तौर पर गायब होने लग जाएंगे। और अगर आप लोगों के वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं या फिर एक्ने प्रोन स्किन है तो वो सब इसकी मदद से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आपको इस पैक को लगाइए, आपका क्या रिजल्ट आया, आपके फेस पे क्या इफेक्ट हुआ, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।